हेलो व्यूअर्स, मैं राजेंद्र कुमार गेटवे टू इंग्लिश चैनल पर आपका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज फिर हम जानेंगे कुछ ऐसे शब्द जिनका आमतौर पर हम उच्चारण गलत कर जाते हैं, और वीडियो को स्किप नहीं करना प्लीज, ये सभी से मैं निवेदन करता हूं। और पूरी वीडियो को देखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। आइए शुरू करते हैं। पहला जो शब्द हमारे पास है वो है देखो FLOUR। इसको लगभग ये मान के चले कि 99% जो विद्यार्थी हैं वो इसको बोलते हैं फ्लोर, फ्लोर, ठीक है। और एक और ऐसे शब्द होता है FL, यहां लिख देता हूं मैं, देख लीजिए इसको FLOOR, फ्लो। इसको भी हम ऐसे बोल देते हैं, इसको भी ऐसे बोल देते हैं, फ्लोर, फ्लोर। हालांकि इसमें भी आर साइलेंट रहता है, इसमें भी आर साइलेंट रहते तो कॉमन बात है, ठीक है। इसको बोलेंगे फ्लो, फ्लो। इसका अर्थ होता है फर्श, ठीक है। लेकिन ये जो शब्द है इसका जो मीनिंग होता है वो होता है आटा, ठीक है। वेरी थिन पाउडर मेड फ्रॉम व्हीट और अदर ग्रेन। किसी भी आमतौर पर गेहूं का जो होता है ना बारीक पाउडर, उसको हम आटा बोल देते हैं, ठीक है। अब इसके उच्चारण की बात करें तो इसका उच्चारण फ्लोर नहीं है, इसका उच्चारण क्या होगा बेटा, फ्लावर, फ्लावर, फ ल आ उ अ, फ्लावर, फ्लावर। जैसे एक शब्द है एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, इसका मीनिंग होता है फूल, इसका अर्थ हम लेते हैं। जो इसका प्रोनाउंसिएशन है ना वही इसका है ना, अमेजिंग बात है। जबकि हम इसके साथ जुड़कर देखते हैं इसको, लेकिन इसके साथ इसका कोई उच्चारण से का कोई आपस में मेल नहीं है, इसके साथ मेल खाता है ये। इसको भी हम बोलते हैं फ्लावर, फ्लावर, फ्लावर नहीं बोलना इसको भी, कोई बच्चे जो इसको भी फ्लावर बोल देते हैं, लेकिन ये फ्लावर नहीं है, फ्लावर, फ्लावर। आ उ साउंड है इसमें, आ उ लास्ट में, फ्लावर, ठीक है। तो ये इसके साथ मेल खाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। इसको हम आज के बाद जो फ्लोर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्लावर, फ्लावर, ठीक है जी। नेक्स्ट शब्द देखिए, इसको हम बोलते हैं ट्यूशन, ट्यूशन बोल देते हैं बच्चे, ट्यूशन, ठीक है, या ट्यूशन, कई तो श नहीं बोलते, स बोलते हैं, ट्यूशन, ट्यूशन कहेंगे, ट्यूशन, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप, इसमें जो ध्वनियां है वो क्या है, ट, ट के बाद य है, फिर उ ई श न, ये होता है जी ट्यूशन, ट्यूशन। देखो ट य ट्यूई, ट्यूशन, ट्यूशन, ट के बाद य उ ट्यूशन, ई साउंड दिया, यू के बाद ई की तरफ जाती है आवाज, ठीक है, ट्यूशन। तो ट्यूशन का मतलब आपको पता ही है, टीचिंग ऑफ अ स्मॉल ग्रुप, छोटे छोटे से समूह को जो है पढ़ाना, उसके लिए हम जो है ट्यूशन वर्ड को प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें स्पेलिंग्स में ही बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कई बार, बच्चों से हम पूछते हैं कि बताओ बेटा ट्यूशन की स्पेलिंग्स क्या होती है, तो वो बताते हैं टी यू टी आई यू एन, जबकि यहाँ पर जो है यू के बाद आई भी है, इसको वो भूल जाते हैं। तो आपने दिमाग में रखना है यहाँ पे टी यू के बाद आई भी है, आई, ठीक है, ट्यूशन, ट्यूशन, ओके। नेक्स्ट शब्द देखिए, इसको हम बोल देते हैं आमतौर पर रिजीम, ठीक है, या रिजाइन, बहुत सारे विद्यार्थी इसको जो है रिजाइन बोलते हैं, रिजाइन, लेकिन ये रिजाइन नहीं है, इसका प्रोनंसिएशन होता है बेटा रेजिम, रेजिम, रेजिम। देखो र के बाद ए ही साउंड है, डिफ्थोंग कहते हैं हम इसको। जिन विद्यार्थियों को ये सिंबल्स के बारे में पता नहीं चल रहा, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि अपने चैनल के ऊपर फोनेटिक सिंबल्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाइए तो आपको ये सारे सिंबल्स मिल जाएंगे, बड़े आराम से सुनना, वीडियोस को देखना, आपको समझ में आ जाएंगे। तो इसका उच्चारण बन गया बेटा रेजिम, रे, देखो र के बाद ए, रेजिम, रेजिम, रेजिम का मतलब होता है रूल, किंगशिप, शासन किसी का, गवर्नेंस, ठीक है, उसको हम जो है रेजिम बोल देते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट शब्द अपने पास देखो, इसको क्या बोल दो, बोलोगे आप बाउटीक, बोलते हैं कि बच्चे बाउटीक, ठीक है, असल में इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बेटा बूटीक, बूटीक, ब के बाद ऊ लंबा है, लंबी आवाज है ऊ की, बूटीक, 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 यहां पर भी ई लंबी है, यहां पर भी ऊ लंबा है,
लंबी आवाज है, लॉन्ग साउंड है, तो इसको हम बोलेंगे बुटीक, बुटीक। और बुटीक क्या होता है, एक स्मॉल शॉप होती है जिसमें आमतौर पर जो फैशनेबल क्लोथ्स हैं, फैशनेबल आइटम्स हैं, वो बेची जाती हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बुटीक। ठीक है जी, नेक्स्ट शब्द अपने पास, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है, बड़े मजेदार शब्द है, इसको आमतौर पर हम बोलते हैं ज्वेलरी, ज्वेलरी बोलते हैं इसको, ज्वेलरी, लेकिन सही उच्चारण क्या होता है इसका, ज्वेलरी, ज्वेलरी, जू ज, ये देखना ज्वेलरी ज है, ये ज उ अ ल र ई, ज्वेलरी, ज्वेलरी है ना कि ज्वेलरी, ज्वेलरी। ठीक है, ये सभी को पता है इसका मीनिंग, ऑर्नामेंट्स होता है, ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं, आभूषण हम कह देते हैं हिंदी में, ठीक है, जेवर कह देते हैं, गहने कह देते हैं, सो ये होता है ऑर्नामेंट्स, और इसका इस शब्द का उच्चारण क्या होगा, ज्वेलरी, ज्वेलरी। ठीक है, और यहां पे ध्यान रखेंगे इसमें मैंने एल एल लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये सिंगल एल से भी लिखा जाता है, इसकी दोनों स्पेलिंग्स जो है सही होती है, यदि आप सिंगल एल से लिखोगे तो भी सही होगा, एल एल यदि इसमें लिखोगे तब भी ये सही माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये शब्द बहुत, इसका तो बेचारे का ना बस बेड़ा गर्क हो गया है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हायरार्की, हायरार्की बोलते हैं, हायरार्की आमतौर पर, हायरार्की या हायरार्की है क्या असल में, ये देखो इस शब्द का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या, यहां पे देखिए ह आई य, हायरार्की, 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 हायर, देखो ह के बाद आई य, तीन बार जो है स्वर की ध्वनि है यहाँ पे, एक डिफ्थोंग है फिर एक मोनोफ्थोंग है, हायरार्की, 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 ठीक है, ना कि हायरार्की, हायरार्की नहीं है, हायरार्की है, हायरार्की, ठीक है, और इसका मतलब ऑर्डर यानी कि सीक्वेंस होता है, कोई छोटे से बड़े की तरफ जो है, या बड़े से छोटे की तरफ जो सीक्वेंस है उसको हम बोलते हैं हायरार्की। ठीक है, हायरार्की जैसे स्कूल में होता है, ऊपर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के बाद जो है वाइस प्रिंसिपल है, फिर जो है मास्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, इस तरह से ये जो सीक्वेंस होता है इसको हम बोल देते हैं ऐसे, हायरार्की, हायरार्की। ठीक है, नेक्स्ट शब्द देखिए, ये क्या है जी, इसको हम बोल क्या बोलते हैं, बोल, इसको हम बोलते हैं हाइपरबोल, हाइपरबोल बोल देते हैं, लेकिन ये बोल अपने सही नहीं है, ऐसे नहीं होगा, ये क्या होगा बेटा, इसको बोलेंगे आप हाइपरबली, हाइपरबली, बाहुबली की तरह से हाइपरबली, ठीक है, बली तो वही है लास्ट में बाहुबली वाला, ठीक है, बली, शुरू में क्या आ गया, हाइपर, हाइपरबली, हाइपरबली, देखो यहां तक हाइपर बन गया, एच वाई पी ई आर, हाइपर, और ये बी ओ एल ई है ना, इसको बोलेंगे बली, बली, हाइपरबली, हाइपरबली क्या होता है, एग्जैजरेशन होता है, एग्जैजरेशन, एग्जैजरेशन को हिंदी में आप बोल देते हो अतिशयोक्ति, ठीक है, बढ़ा चढ़ा कर बात को बोलना, उसको जो है एग्जैजरेशन हम बोल देते हैं हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट शब्द देखिए अपने पास है, इसको हम बोलते हैं आमतौर पर डाइवोर्स, डाइवोर्स बोलते हैं, लेकिन इसका जो उच्चारण है, प्रोनंसिएशन है, वो क्या होता है बेटा, डिवोर्स, डिवोर्स है, यानी कि शुरू में जो ध्वनियां हैं वो क्या है, ड ई डी है, डी, ना कि डाई, डाई नहीं है, डी है, डिवोर्स, आर साइलेंट रहेगा, वोस, डिवोर्स, ड के बाद ई छोटी है, डी, डिवोर्स, डिवोर्स इसको बोलेंगे, ना कि डाइवोर्स। ठीक है, ये क्या होता है, लीगल एंडिंग ऑफ अ मैरिज, लीगल एंडिंग ऑफ अ मैरिज, किसी भी जो शादी है उसकी लीगल जब एंडिंग कर दी जाती है, ठीक है, कोर्ट में, तो उसको बोलते हैं हम डिवोर्स, तलाक बोल देते हैं हम हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट अपना देखो है शब्द आगे डी ई बी यू टी, इसको गलती से बहुत सारे बच्चे डेबिट बोल देते हैं, पता नहीं चलता उनको, काफी सारे बच्चे इसको ठीक भी बोलते हैं, जैसे क्रिकेट की कमेंट्री वगैरह सुनते हैं तो उसमें पता चलता है, तो ये शब्द बहुत बार आता है, इसको बोला जाता है बेटा डेब्यू, डेब्यू, इसमें जो है टी है लास्ट वाला टी, ये साउंडेड नहीं रहता, ये जो है साइलेंट रहता है, तो इसको हम बोलते हैं डेब्यू या डेब्यू, ड के बाद ए ई साउंड से बोल सकते हैं डे, डे या डे, दोनों सही है, डे से बोलो डेब्यू या डेब्यू, दोनों ही उच्चारण इसके सही है, पर आप ध्यान में रखेंगे कि जो ये टी है तो साउंड को आप स्वर साइलेंट रखेंगे, इसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये होता क्या है, फर्स्ट अपीयरेंस होती है
पब्लिक में कभी भी किसी की जो फर्स्ट अपीयरेंस है, पहली परफॉर्मेंस है, ठीक है, जनता के सामने, तो उसको हम डेब्यू बोल देते हैं। जैसे किसी की पहली पिक्चर आ रही है तो उसकी जो लोग पहली बार उसको देख रहे हैं, तो उस व्यक्ति की, उस एक्टर की, उस हीरो की वो क्या है, डेब्यू है, यानी कि फर्स्ट अपीयरेंस है पब्लिक के सामने, ठीक है। लास्ट वर्ड है इस वीडियो का अपने पास SUBTLE, इसको बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं सबटल। ये सबटल नहीं होता, इसमें जो बी है वो साइलेंट रहता है, बी साइलेंट है इसमें, और इसको हम बोलते हैं बेटा सटल, सटल, सटल। बी साइलेंट कर दो बस काम हो जाएगा, सटल। और सटल होता क्या है, माइन्यूट, माइन्यूट का मतलब बहुत सूक्ष्म, जो है हिंदी में हम बोल देते हैं, ठीक है, सूक्ष्म, उसको जो है इंग्लिश में सटल बोलते हैं, सटल, ठीक है बेटा। ये शब्द इसको हम बोलते हैं माइन्यूट। अब कुछ बच्चे इसको देख रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे तो मिनट भी ऐसे लिखते हैं, ठीक है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। यदि ऐसा सोच रहे हो तो ये ध्यान रखना, मिनट के स्पेलिंग्स भी यही होते हैं और माइन्यूट के भी यही होते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट, किस संदर्भ में आपने बात की है, किस संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग आपने किया है, उस पर डिपेंड करता है कि इसका उच्चारण क्या होगा। यदि समय के लिए आप, यूनिट ऑफ टाइम के लिए इसको प्रयोग कर रहे हो तो इसको हम बोलेंगे मिनट, लेकिन जब इसका अर्थ आप बारीक सूक्ष्म ले रहे हो तो हम इसको बोलेंगे बेटा माइन्यूट, ठीक है। माइन्यूट स्टडी किया करो इसी तरह से, और मेरे साथ इस चैनल पर बने रहो, माइन्यूट स्टडी आपकी होती रहेगी। सो अभी आप इंजॉय कीजिए इन वीडियो को और सिंबल्स वाली वीडियोस देख लीजिएगा यदि नहीं देखी है तो इसी तरह की और अच्छी अच्छी जानकारी के साथ मैं आपके रूबरू होता रहूंगा। सो अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।